छोटू तू ठीक तो है ना? नहीं भैया। पीछे हटो साला, हमको ब्लैकमेल कर रहा है, हमको बम दिखा के यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा है का? तुमरा ये को बम से खाली मुट्ठी भर लोग मरेगा, बाकी का लोग तुमरा टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्ता को खिला देगा। अगर मर्द का बच्चा है तो फेंक ही बम।
आइए माँ जी। ए, रुको, रुक जाओ। बैठिए माँ जी। अरे बैठिए ना माँ जी, बैठिए। शायद आप मुझे नहीं जानते माँ जी, मेरा नाम अशोक है। गलती करने पर मैंने ही आपके बेटे गच्चू को मारा था, क्योंकि उसकी गलती थी। आपका बेटा उसी वजह से मुझे मारना चाहता है। उसे पता है कि मैं खतरनाक हूँ, फिर भी अपने पिल्ले बार बार मुझे मारने के लिए भेजता रहता है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों के दिमाग में भूसा भरा है। माँ जी, आप इसे समझाती क्यों नहीं? तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। मैं जानता हूँ, और मुझे आपका पावर भी पता है। अब तक आपको कोई भी जवाब देने वाला नहीं मिला होगा। मुझे पता है सभी आपके डर से कांपते हैं, लेकिन शायद आप लोग मेरे बारे में ठीक से जानते नहीं है माँ जी। शायद ही मुझे कोई जानता होगा, लेकिन जिसने भी आज तक इस अशोक से मार खाई है ना, वो फिर कभी बिस्तर से नहीं उठा। देखिए माँ जी, मैं ये लड़ाई झगड़ा मारपीट बिल्कुल नहीं करना चाहता। सबकी भलाई इसी में है कि इसे यहीं खत्म कर दें। और अगर मुझे मारना ही है तो जान हथेली पर रखकर घूमो जैसे मैं घूमता हूं, सीना चौड़ा करके, एक गोली में खत्म। और अगर बच गया तो आपके बेटे को कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बेटे से कहो कि वो मुझसे दूर रहे, नहीं तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। चलता हूं। अब तुम मरने खातिर तैयार हो जाओ। तेरी तरह मरने के डर से मैं झूठ में नहीं घुमा करता, समझा? तेरा भाई हॉस्पिटल में है, यहां गोली चलते ही वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। चला, गोली चला, चला ना। तेरे मारने से मैं नहीं मरने वाला, ऊपर से 100 साल की उम्र लिखवा के लाया हूँ। ए, चाको राखे साइया तो मार सके ना कोई, बाल बाका कर सके जो जग पैरी होए, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हॉस्पिटल में है भाई, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? सब ठीक है? हाँ भाई, यहाँ सब ठीक है। फिर अशोक जन बकवास कर रहा था भाई, वो हमको चुना लगा गया। मुझे बात करनी ही होगी, समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब कुछ। भाई 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 सुनिए तो, कल जब वो हमें पीट रहा था तो आप कहाँ थे? जब से हमारी पिटाई हुई है इस शहर से हमारी दहशत कम हो गई है भाई, गर्दन शर्म से झुक गई है मेरी आपकी वजह से, इज्जत मिट्टी में मिल गई है मेरी। जब वो आपके भाई को मार रहा था तब क्या आप गुलछर्रे उड़ा रहे थे? उस अकेले ने आपकी इज्जत का मटिया पलित कर दिया है, आज उसने आपके भाई को मारा है, कल आपका भी नंबर आएगा, लोग आप पर थूकेंगे तो क्या जवाब दोगे उनको? जवाब देना है तो उसे ऐसी मौत देनी होगी कि उसकी 100 पुश्ते भी याद रखे। उसे नहीं मारोगे तो वो आपकी माँ को भी मार सकता है, याद रखना। लोगों के दिल में दहशत पैदा करने के लिए सालों लगते हैं, अगर वही दहशत कायम रखनी है तो तुम्हें उसे मारना होगा। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना? हाँ, अपने अंदर की आग को बाहर निकालो, हाँ, और जला दो, चला दो, दुश्मन को जला के खाक कर दो, चला दो उसे। इसने तो मुझ पे ही आग निकाल दी, समझ में नहीं आ रहा इसने गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल दिया। जले पर नमक लगाएगा तो ऐसा ही होगा ना? कहीं फ्यूचर बताकर मैंने गलती तो नहीं कर दी ना? तूने भविष्य नहीं भूतकाल बता दिया। मतलब के इसकी माँ को भी धमका चुका है वो? हाँ भाई। केके, अपना गुस्सा बचा कर रखो। क्या कह रही हो माँ? जब बखत बुरा होता है ना तो गधा भी पहलवान हो जाता है, पूरा शहर तुम्हारे नाम से कांपता है। और ये रुतबा बहुत ज्यादा मेहनत के बाद हासिल हुआ है, पर आज हमरे आदमियों को मारकर वो लड़का हमारी हुकूमत को ललकारा है, और यही वजह से मीडिया और पुलिस का नजर में वो लड़का हीरो बन गया है। तो इसके बाद